नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक सिंपल टेबल बना रहा हूँ घर में एक साउंड सिस्टम को रखने के लिए, जो मैं अपने होम जिम के पास लगाना चाहता हूँ। मेरे पास एक सोनी का डेक है जिसमें मैंने एक ब्लूटूथ की जो आजकल प्लेट्स आ रही हैं वो फिट कर ली है, ताकि मैं उसके अंदर पेन ड्राइव चला सकूँ या फिर छोटे वाले चिप वगैरह लगा के साउंड सिस्टम उसे यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए मैं एक छोटा कम हाइट का टेबल बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने पुराने कुछ वुड के टुकड़े हैं वो यूज़ कर रहा हूँ। इसको बिल्कुल सीधा करके एक तरफ से उसके लेग्स बनाने के लिए मैं इसके ऊपर निशान लगाऊंगा। इसकी हाइट करीब मैं 18 इंच रखूंगा। एक पुरानी प्लाई ऊपर और एक बीच में सेंटर में कुछ सामान रखने के लिए लगाऊंगा। इसके स्टेप्स देखकर आप इजीली इसको समझ पाएंगे और इजीली घर में नॉर्मल टूल्स के साथ इसको बनाया जा सकता है। मेरे पास ये वुड कटिंग के लिए मशीन है, अदरवाइज़ इसको आरी से भी काटा जा सकता है लकड़ियों को। हमें चार ऐसे लेग्स चाहिए, सो 18 इंच के चार हम लेग्स ऐसे स्टूल हाइट तक हम इसको बना लेंगे, ताकि ये कम जगह में आ जाए और इसमें उसके स्पीकर भी इसी पे रखे जा सकें और जो उसका एम्पलीफायर पोर्शन है वो भी इसी पे आ जाए। तो देखिए, चार हमने लेग्स बना लिए। जो इस पर हमने प्लाई लगानी है उसको राउंड कर लूँगा कॉर्नर्स को, ताकि वो एज किसी को चुभे ना, और इसी के नीचे मैं चार लेग्स को फिट करूँगा। सो गाइस, ये सिंपल सा एक बेंच टाइप स्मॉल साइज़ का टेबल बन गया है। काफ़ी मजबूत है, लोड ले सकता है। इसको और स्ट्रेंथ देने के लिए और नीचे एक और शेल्फ लगाने के लिए मैं इसमें एक दो साइड में इसके दोनों पैर में लकड़ियों की दो प्लाई या लकड़ी के दो टुकड़े लगा रहा हूँ, ताकि मैं सेकेंड वाली शेल्फ इस पर रेस्ट कर सकूँ। ये दोनों इससे लेग की जो डिस्टेंस है ऊपर के हिसाब से मेजर करके मैं बराबर कर लूँगा। पहले मैं इसे लगा लूँगा, बाद में सेकंड वाले को स्ट्रेच करके उसके साथ जोड़ लूँगा। देखिए, इस तरह से इस बिल्कुल एक्यूरेट ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा। और इसके बीच में हम नीचे जो शेल्फ लगाएंगे उसके लिए एक दूसरी प्लाई ले लेंगे, वो थोड़ी कम मोटाई की ले लेंगे, और जितनी उसकी हमें विड्थ चाहिए वहाँ से हम काट के इसके हिसाब का साइज़ बनाकर ये प्लाई का टुकड़ा भी हम नीचे इसके शेल्फ के लिए यूज़ कर लेंगे। देखिए, यहाँ ये फिट हो जाएगा। फिर इसको नील के साथ इन्हीं लकड़ियों जो हमने अक्रॉस में लगाई थी उस पर फिट कर देंगे, ताकि ये फिक्स हो जाए और इसको काफ़ी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी इसे टेबल की। सो फ्रेंड्स, ये कम जगह में देखिए आराम से वो टेबल जो हमने बनाया वो फिट हो गया। इसी जगह के हिसाब से मैंने इसको साइज़ वगैरह मेंटेन किए थे, डिज़ाइन किया था इसको। नीचे काफ़ी जगह है, इसमें काफ़ी और दूसरी चीज़ें भी मैं रख सकता हूँ इससे रिलेटेड। बॉक्स में सभी पेन ड्राइव या सीडीज़ वगैरह रख सकता हूँ। ये एक 3 CD चेंजर एम्पलीफायर है सोनी का। साइड में इसमें पेन ड्राइव लग सकती है, चिप लग सकती है, और ये ब्लूटूथ वाली साउंड प्लेट है, तो इसके अंदर हम मोबाइल से इसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। इसका अपना भी एक रिमोट है एम्पलीफायर का, और एक रिमोट इसके साथ जो ब्लूटूथ की ये वॉइस प्लेट है उसके साथ एक उसका रिमोट है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट। हैव अ नाइस डे।